नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल द प्लस पॉइंट में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मीशो का ज्वेलरी हॉल। तो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हॉल है, इसमें इयर रिंग्स हैं, दो सेट है कंप्लीट, जिसमें कि लगभग 8 इयर रिंग्स हैं और साथ में है एक ब्रेसलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रेसलेट से शुरुआत करती हूँ। तो ब्रेसलेट कुछ इस तरीके, ये इस तरीके की प्लास्टिक बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ। ये घुंघरू वाले ब्रेसलेट हैं, ये देखने में मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो आप सुन पा रहे होंगे इसमें बहुत ही मध्यम घुंघरू की आवाज़ आ रही है। ये इस तरीके का है, आप इसे किसी भी साइज़ के हाथों में से पहना जा सकता है। क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत फिनिश्ड है। जो एक इसकी ड्रॉबैक है वो आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही सिल्वरी है, ये बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब कि स्टील की फिनिश वाले जो होते हैं हल्के से ब्लैकिश, वो तो ये वो वैसा फिनिश नहीं है, ये इस तरीके का है, वाइटिश टाइप का। आप इजीली हाथ में इसे पहन सकते हैं और ये देखिए पहनने पे बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फिनिश अच्छी है। प्राइस इसकी 156 रुपीज़ है इस एक सिंगल की, ये एक ही आपको मिलेगा। क्वालिटी अच्छी है तो हाँ, आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। कई सारे सेलर्स दे रहे हैं, मैंने जिस सेलर से लिया है मैं उसका प्रोडक्ट आपको लिंक सॉरी कोड मैं आपको उसका दे दूँगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेयर ऑफ इयर रिंग्स की। ट्विंकलिंग फैंसी इयर रिंग्स हैं, मैं आपको इसका ओरिजिनल दिखा देती हूँ कि मैंने जो फ़ोटो में देखा तो वो इस तरीके का था। तो इसमें ये इयर रिंग तो मुझे मिली है, लेकिन जो ये नीचे वाली है ये इसकी जगह उन्होंने किसी अपने ही दूसरे कैटलॉग की इयर रिंग उसमें भेज दी है। मैंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि इयर रिंग्स की क्वालिटी ठीक थी, ऐसी नहीं थी कि जिसे यूज़ ना किया जा सके। तो ये किसी बॉक्स में नहीं आया, ये सिंपली इस तरीके के पैकेज में आया है। तो फटाफट मैं आपको इयर रिंग्स खोल के दिखा देती हूँ। इन तीन इयर रिंग्स में से एक इयर रिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ। तो सबसे पहले जो एक इयर रिंग ये है, आप इसे देख लीजिए, आप इसे पास से मैं दिखा दूँ, ये इस तरीके की है, ये देखिए, ये एक डायमंड स्टड लगा हुआ है। आप इसे साइड से देख लीजिए इस तरीके का, नीचे ये कुछ इस तरीके का एक बॉल है, बहुत अच्छा है, पहनने पे बहुत अच्छा लुक दे रहा है। दूसरी बात इसकी क्या है ना कि ये जो इसका लटकन है ना, ये डिटैचेबल है। तो आप इसे सिर्फ इसके स्टड को सिर्फ इस तरीके से भी पहन सकती हैं, लटकन लगा करके भी पहन सकती हैं। तो ये दोनों ही तरीकों से यूज़ किया जा सकता है, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ इंडियन आउटफिट के लिए भी ये बहुत ही अच्छी इयररिंग का पीस है। इसी तरीके का एक और आया था और वो ये इस तरीके का है, ये थोड़ा सा ये देखिए गर्लिश है ये, और इसमें भी सेम चीज़ है। आप इसका ये रोज़ पेटल वाला जो टॉप है सिर्फ उसे भी पहन सकती हैं और साथ में लटकन के साथ भी पहन सकती हैं। ये भी डिटैचेबल है, कंफर्टेबल है पहनने पे, फिनिश इसकी अच्छी है। रोज़ वाला जो है वो भी अच्छा बना हुआ है और नीचे वाला भी गोल्डन कलर का रॉड और उसमें ये मोती है। ऐसा नहीं है कि मोती गंदी वंदी लगा दी है इन्होंने, लेकिन अच्छी लगाई है। प्राइस में आपको इसका बता देती हूँ, इसका 200 प्राइस था और प्राइस में तीन इयररिंग्स थे, ये दो हो गए। अब जो तीसरी इयररिंग है वो बेस्ट पीस है। आप देखिए इतनी बढ़िया फिनिश क्वालिटी के साथ ये इयररिंग आई है, और ये वो इयररिंग नहीं है जो मैंने देखी थी। अब आप ये देखिए, बहुत बढ़िया फिनिश क्वालिटी के साथ आई है और ये बहुत अच्छी लगती है। आप जितना अच्छा इसे वेस्टर्न वेयर के साथ, आप किसी भी लॉन्ग गाउन के साथ या वेस्टर्न वेयर आप पहन रहे हैं पार्टी फंक्शंस में, उसके साथ आप इसे पहन के देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इवन ये इंडियन अटायर के साथ भी अच्छा लगेगा। देखिए इतना सुंदर, ये बहुत बड़ा भी नहीं है, और ये इसके साथ आप पीछे देख सकते हैं, ये इस तरीके का एक ये हुक में ये टंगा हुआ है, ड्यूरेबल है, लाइफ इसकी ऐसी नहीं है कि पहनते पहनते टूट टाट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस इयररिंग को पहन लिया है और ये मैंने इंडियन आउटफिट के साथ पहना हुआ है। आप इसकी लेंथ देख सकते हैं कितनी है, छोटी है ये, बहुत बड़ी नहीं है, बट एलिगेंट लग रही है, पहनने पे अच्छी लग रही है, और इसे गर्ल्स भी वेयर कर सकती हैं और आप महिलाएँ भी। उसके बाद जो मैंने एक पीस मंगाया वो कुछ इस तरीके की बॉक्स में आया है, इसमें चार इयररिंग्स का सेट है,
और मैं आपको बता दूँ इसकी प्राइस क्या है। 273 इसकी प्राइस है और एग्जैक्टली जो चार पीस मेंशन किए हुए हैं कैटलॉग में वही चार पीस हैं। हाँ ऑब्वियसली डिब्बा टूटा हुआ आया है, एक नॉब है एक नहीं है, लेकिन पीसेस मैं आपको बता देती हूँ कि 273 रुपीज़ के हिसाब से चीज़ें नहीं हैं। आप अगर लोकल मार्केट्स में जाएंगी जो रोड साइड स्टॉल्स लगे रहते हैं उस पे भी इसी तरीके की इयररिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो जो मैं आपको दिखा दूँ वो पहला पीस है जो वो इस तरीके का मिरर वाला पीस है, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट की फिनिश तो ठीक है, हल्की बहुत है, लेकिन ये जो पीछे का पोर्शन है ना ये आप देख सकते हैं, ये देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये वही पीस है जो 50 रुपये में आपको लोकल मार्केट्स में मिल जाएगा। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि जो चीज़ लोकल मार्केट में 50 रुपये की मिल रही है उसे मैं यहाँ पे इतने महंगे दाम पे क्यों खरीदूँ। तो ये एक पहला पीस है, आप ये देख सकते हैं इसकी साइज़ क्या होगी, इतनी साइज़ है इसकी, बहुत बड़ी नहीं है। और उसके बाद एक ये बाली टाइप की है, ये भी उस ये इसकी फिनिश तो ठीक है बट लेकिन क्या है ना कि इसका जो ये रॉड है पहनने के लिए आप ये देख सकते हैं, ये दो बार मैंने इसे खोल लिया है और बेंड करते करते अब लग रहा है तीसरी बार मैं बेंड करूँगी तो ये टूट जाएगा। तो ये इसको इसमें इस तरीके से फंसाना था, अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं इसे फंसाऊँ भी कि नहीं फंसाऊँ। तो ये देखिए ये पीस अच्छा है, आप पहनेंगी तो लुक अच्छा आएगा आपके ड्रेसेस के साथ, इंडियन वेयर के साथ, इवन वेस्टर्न वेयर के साथ भी ये अच्छा लगेगा। बट इसका यही है ना कि ये देखिए ये डंडी टूटी ही, समझिए ये दो बार मैं हिला चुकी हूँ, अब ये तीसरी बार भी मुझे ऐसा लग रहा है टूट जाएगी, फिर वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए। तो इसलिए यही इसकी ख़राबी है, ये वही है आपके स्टॉल वाली पीसेज हैं सारे, हल्की हैं सारी इयरिंग्स, ऐसी कोई बहुत भारी नहीं है कि जिसे आप दिन भर कैरी ना कर सके। बट आपको मिलेगी क्वालिटी, आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं है। आपको ज्वेलरी लेनी है तो आप वॉयला से एक बार ट्राई कर सकते हैं, और लो प्राइस ज्वेलरी के लिए तो देखिए मीशो है, आपको प्राइस तो कम देता है, लेकिन आप अपने लोकल मार्केट में इन्हें सर्च करिए और बेटर मिल जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने तीसरा पीस लिया, तो ये तीसरा पीस ये है, ये काफ़ी हैवी इयररिंग्स है, लुक वाइज हैवी है, अदरवाइज़ इसका वेट ना के बराबर, बाकी दोनों से भी ये हल्की हैं। और हल्की होने का वजह ये है कि बहुत पतली पतली शीट से बनी है, हालत ये कि अगर आप इसे देख पाए ना तो इसका जो ये झुमका है ये पिचका हुआ आया था, मैंने इसको सही किया है। तो अगर आप किसी सामान के साथ इसे रख देंगे दबा करके तो ये पिचक जाएगा, ये उस तरीके का फिनिश आप बैक साइड में देख सकते हैं, बहुत रफ सा है। और सामने भी क्या है कि फिनिश इसका आप देख सकते हैं, बीच में इसके ये छेद है, यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए बीच में ये छेद है, ये देखिए यहाँ पे छेद है। तो ये इस तरीके की एक है, और जो दूसरी वाली है, हाँ दूसरी वाली में कोई ऐसा छेद तो नहीं है, लेकिन अब ये बहुत तो पता नहीं चलेगी पहनने पर, लेकिन है प्रोडक्ट की फिनिश नहीं है। आपको अगर लेना है कुछ टाइम पहनना है फिर हटाना है तो उसके लिए तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी कि ये मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाली है। फिर ये इसकी लास्ट इयरिंग है इस सेट का, दिखा देती हूँ लास्ट इयरिंग वो ये है, देखने में ये दूर से आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी, थोड़ी सी हैवी है थोड़ी सी इन कंपैरिजन टू अदर्स, और फिनिश की क्वालिटी इसकी भी बैक साइड से आप देख सकते हैं वैसी ही है जो रहती है लोकल शॉप्स की, ये दूर से ही अच्छी लग रही। अब मैं आपको इसको पास से डिटेल इसका दिखाती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इस इयरिंग के साथ। इस इयरिंग के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप ये देख सकते हैं बीच में ये जेम्स लगे हैं, नकली एडी लगा हुआ एक लाइन पूरा, जो पूरे लुक को डिस्टर्ब कर दे रहा है। अगर सिर्फ इन्होंने मोती मोती लगाया होता तो ठीक लगता, स्टील वो अपना मेटल वाला भी पोर्शन ठीक था, लेकिन ये लगाने की वजह से थोड़ा सा इसका लुक चीप सा आ रहा है, ये देखिए। लेकिन आप अगर इसे दूर से देखें, हैवी इयररिंग है ये, आपको ये हैवी इयररिंग्स आप हल्दी मेहंदी के फंक्शन में अपने फंकी ड्रेस के साथ आप पहनेंगी तो ये अच्छी लगेगी, वन टाइम वेयर के लिए ये अच्छी है। इवन आप इसे बाद में भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ऑक्सीडाइज है तो ख़राब तो होगी नहीं, 273 रुपीज़ में 4 इयररिंग्स का सेट है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप ऑनलाइन परचेज़ करने से अच्छा एक बार अपना लोकल मार्केट ज़रूर सर्व कर लीजिए, क्योंकि वहाँ चंकी ज्वेलरी हमको मुझे लगता है आपको कम प्राइस में और बेटर मिल जाएगी।
जो इस पूरे हॉल में जो मैं दो प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूँगी लेने के लिए, वो एक ये इयररिंग है। ये बहुत जैसे कि अनकॉमन सी इयररिंग मुझे लगी और पहनने के बाद मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा कि नहीं ये अच्छा है। और वो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है ये थोड़ा टाइम बाद जब इसका शाइन थोड़ा और कम होगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा चंकी ज्वेलरी ये तब लगेगी। अभी ये बहुत ही वैसी लग रही है जैसे जो जनरली लेडीज़ पहनना पसंद करती हैं चांदी वाली ज्वेलरी, ये कुछ उस तरीके का लुक अभी दे रही है, बट आई होप कि विद इन टाइम ये अच्छी लगने लगेगी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोज़ और मिलते हैं अगले वीडियो में।